आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया गया है, एक व्यक्ति ए से बी के लिए 6 बजे प्रातः प्रारंभ करता है, ठीक है, तथा बी पर 9 बजे पहुंच जाता है। 6 बजे वो चलना स्टार्ट किया, सुबह 6 बजे वो चलना स्टार्ट किया और सुबह 9 बजे ही वो पहुंच गया, तो दोनों टाइम लिख देना है। दूसरा व्यक्ति बी से ए के लिए 7:30 बजे चलना प्रारंभ करता है, शुरू करता है और 9:30 बजे 9:30 बजे पहुंच जाता है। क्लियर है? दूसरा व्यक्ति जो है वो 7:30 बजे प्रारंभ कर रहा है और 9:30 बजे पहुंच जाता है। तो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोग को क्या करना है कि टाइम को लिख लेना है। क्लियर है? टाइम को जैसे हम लिखे वैसे लिख लेना है और यहाँ पे एक एस टाइप का फॉर्मेशन करना है, इस टाइप का एस लिखना है। क्लियर है? अब एस लिखने से मतलब है इससे इसको घटाएंगे, फिर इस दागी का मतलब है इससे इसको घटाइए, तो 9 से मतलब 6 से 9 हो गया, 6 बजे से 9 बजे तक कितना घंटा होगा? तो 3 घंटा होगा, इजीली फाइंड हो जा रहा है। 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटा हो रहा है, तो 3 लिख देना है यहाँ पे। फिर ऐसे दागे का मतलब है इसका इसका डिफरेंस निकालिए टाइम का, तो 6 बजे से 9:30 बजे तक ये भी सुबह है, ये भी सुबह है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया सब सुबह का बात है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। क्लियर है? तो सुबह 6 बजे से सुबह 9:30 बजे तक कितना घंटा होगा? तो 6 से 9 3 साढ़े 3 घंटा हो जा रहा है, तो 3.5 घंटा को हम लोग 3.5 आवर लिख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए 7:30 से 9:30 ये भी सुबह है दोनों, तो 7:30 से 9:30 होने में 2 घंटा लगेगा। क्लियर है? तो ये सब लिख लेना है। अब ये क्या हो जाता है, ये टाइम 1, ये टाइम 2 और ये टाइम 3 हो जाता है। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है ये, टाइम 1 इंटू टाइम 2 डिवाइड बाई टाइम 1 प्लस टाइम 3। बस इस फॉर्मूला को आप लोग माइंड में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड में सॉल्व होगा और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इसका ट्रिक है। तो देखिए टाइम 1 कितना है, तो टाइम 1 की जगह पे 3 है, तो 3 लिखना है, इंटू देना है। अब टाइम 2 है, तो टाइम 2 कितना है, 3.5, ठीक है। 3.5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम पॉइंट में लिख दिए। क्लियर है? आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब टाइम 1 प्लस टाइम 3, तो टाइम 1 कितना है, 3 है, तो 3 लिख देना है, और प्लस है तो प्लस देना है, टाइम 3 तो टाइम 3 कितना है, 2 है, तो 2 लिख देना है। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 इंटू 3.5, इसको अभी रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5। अब देखिए कट जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0, 5 10 जा 50, 5 का 10 टेबल में, 5 7 जा 35, और तो नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 बाई 10। और ये किस में आएगा, ये सब आवर में था। क्लियर है? तो ये सब आवर में अगर था, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 3 घंटा ना, तो आवर में हुआ ये 3.5 घंटा, तो ये भी आवर में हुआ, तो ये भी आवर। क्लियर है? 7:30 से 9:30 2 घंटा हुआ, तो आवर हम लिखे नहीं है, समझाने के लिए हम समझा दे रहे हैं सिर्फ, उतना लिखने लिखेंगे एक एक चीज़ को तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो मतलब तो समझने से है ना। तो ये सब आवर में है, तो आंसर किस में आया, ये आवर में आया। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसको हमको टाइम में बताना है ना कि कितना बजे पहुँचेगा, तो इसको हमको टाइम में कन्वर्ट कर दे, मिनट में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 10 2 जा 20 हो रहा है, तो 2 आवर तो कन्फर्म होगा, पूरा पूरी कटेगा, उसको लिखना है आवर में, 10 2 जा 20, ये सब तो इजी है, ये सबको आता ही होगा आप लोगों को, आवर को कैसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 2 जा 20। क्लियर? और कितना बच गया, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 10 2 जा 20 और 1 बचा, 1 बाई 10, इतना आवर हुआ। अब देखिए आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला पूरा पूरी आवर हो गया, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज बोले तो ये पूरा पूरी 2 घंटा हो गया, तो 2 आवर लिख देते हैं। ये जो मिनट में है इसको आवर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 1 बाई 10 आवर जो है इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो आवर को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना, तो 0 0 कट जाएगा, तो 6 होगा, तो 2 घंटा 6 मिनट। क्लियर है? इसको हम लोग कन्वर्ट किए तो इतना हो गया, 2 घंटा 6 मिनट, और समझ में आ गया होगा कि कैसे किए। तो देखिए 2 घंटा 6 मिनट जो हुआ इतना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 6 बजे जो है पहला टाइम आप लोग को देखना है, पहला वाला माइंड में रखना है, पहला वाला ये स्टार्टिंग वाला देखना है। तो 6 बज रहा है, तो 6 बजे से 2 घंटा और जोड़ेंगे अगर, ठीक है, 6 बज रहा है, 6 बजे से 2 घंटा 6 मिनट अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 बजे से 2 घंटा जोड़िए, तो 6 बजे से 2 घंटा जोड़ेंगे तो 8 घंटा हो जाए, 8 बज जाएगा, ठीक है। सुबह 6 बजे से 2 घंटा अगर जोड़ रहे हैं तो 8 बज जाएगा, और 6 मिनट है तो 8 बजकर 6 मिनट। क्लियर है?
तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब गलती से ऐसे मत लिख दीजिए 8 घंटा 6 मिनट, तो इस 6 मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। 8 घंटा हो गया, 6 घंटा और 2 घंटा 8 घंटा, क्लियर। और 6 मिनट मतलब 8 बजकर 6 मिनट, क्लियर है, और सुबह को ही पहुँचेगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे ही है, तो आप लोग क्वेश्चन 22 अगर समझ में आ गया, 23 सेकेंड्स में सॉल्व होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करिए, अगर सॉल्व नहीं होता है तब वीडियो को देखिएगा। तो देखिए हम बताते हैं इसको कैसे करना है। तो इसमें भी देखिए, ट्रेन ए 8 बजे सुबह पटना से बक्सर के लिए प्रस्थान करती है तथा 12 बजे बक्सर पहुँच जाती है, तो 2 टाइम दिया गया है, सुबह बोला गया है और ये भी दिन का बात किया गया है, तो ये सब थोड़ा सा देखना है आप लोगों को। तो सुबह 8 बजे चल रहा है और 12 बजे पहुँच रहा है, इतना लिख देना है। दूसरा, ट्रेन बी से, बी सुबह 6 बजे बक्सर से पटना के लिए 12 बजे पटना पहुंचती है, ठीक है, सुबह 6 बजे पटना से प्रस्थान कर 12 बजे पटना पहुंचती है, तो बक्सर से प्रारंभ हो रहा है 6 बजे और 6 बजे सुबह, ठीक है, और यहाँ पे कितना 6 बजे दिन में, तो दोनों सुबह का ही बात हुआ है, दिन मतलब क्या सुबह ही हुआ ना, दोनों टाइम लिख देना है। अब टाइम लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एस बना लेंगे। अब टाइम का डिफरेंस देखेंगे कितना घंटा हो रहा है, तो 8 बजे से ये सुबह है, ये भी दिन है, तो 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटा होगा, क्लियर है। तो एच लिख दिया आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, तो ये टाइम 1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए, तो 8 से 12 हो गया, तो ये भी 4 घंटा हो गया, ये हो गया हम लोग का टाइम 2। अब 6 से 12 ये कितना हो गया, 6 घंटा हो गया, ये क्या हो गया टाइम 3, क्लियर है, इतना लिख देना है। अब हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम 1 इंटू टाइम 2 बाय टाइम 1 प्लस टाइम 3, ये फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल सा है। अब टाइम 1 कितना है, तो टाइम 1 है 4 इंटू टाइम 2 कितना है, तो 4 है, डिवाइड में टाइम 1 4, प्लस है तो प्लस, टाइम 3 कितना है 6 है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 4 इंटू 4 डिवाइड में 4 और प्लस 10 6 हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस 6 10 हो जाएगा ना, अब कितना हो जाएगा 4 4 16 बाई 10। अब ये किस में आएगा, ये सब आवर में है, तो ये आवर में आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो 10 6 जा 60, ठीक है, सॉरी 10 1 जा 10 और 6 बचा 6 बाई 10, क्लियर है। तो पूरा पूरी जो आया ये घंटा में हम लोग लिख देते हैं, एक घंटा में लिख दिए। अब इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6 बटा 10 जो है इसको लिख देना है, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे, ये आवर है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 घंटा 6 चौके 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट हो रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से किया हम लोग को देख लेना है, तो स्टार्ट वाला देखेंगे 8 बजे सुबह है, ये भी देखना है कब है, सुबह है कि शाम है, तो सब सुबह बोला गया इसीलिए लिखे नहीं है। तो सुबह 8 बजे से, ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा, तो 8 बजे से 1 घंटा अगर जोड़ेंगे तो 9 बज जाएगा और 36 मिनट है, तो 9 बजकर 36 मिनट, और ये कब होगा, सुबह ही होगा, क्लियर है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये सा क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, बंदर वाला है, ठीक है, कि खंभे पे चढ़ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला ये सब क्वेश्चन होता है। तो देखिए दिया गया है, एक बंदर एक ऊंचे खंभे पर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में क्या कर रहा है वो, 10 मीटर चढ़ रहा है, क्लियर है, तो लिख लेना है, जो बोला गया उसको लिखेंगे। तो 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल रहा है, तो अगला जो मिनट हो रहा है तो और 1 मिनट उसको लग रहा है, और 1 मिनट में क्या कर रहा है वो, 3 मीटर जो है फिसल रहा है, मतलब नीचे आ जा रहा है, क्लियर है। तो ओवरऑल उसको कितना लगा, 1 और 1 2 मिनट लग गया। अब 10 मीटर चढ़ रहा था और 3 मीटर फिसल रहा है, तो 10 मीटर चढ़ा, मान लेते हैं यहाँ तक है, 10 मीटर चढ़ा और 3 मीटर फिसला, तो नीचे ही आएगा ना, घटेगा, तो 10 मीटर चढ़ा 3 मीटर फिसला, इसका मतलब क्या, 7 मीटर वो चढ़ा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ा और अगले मिनट क्या किया, 3 मीटर वो फिसल गया, तो 3 मीटर फिसलेगा तो नीचे ही आएगा ना, तो 3 मीटर नीचे हो जाएगा, तो 7 मीटर हुआ, क्लियर है। तो 2 मिनट में वो 7 मीटर चढ़ा। अब बोल रहा है यदि खंभे की ऊंचाई 50 मीटर हो तो वो कितने समय में चोटी पर पहुंचेगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो 50 मीटर है खंभे का ऊंचाई, ये जो खंभा है इसका ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है, तो कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। तो देखिए इसको थोड़ा सा उल्टा करके हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 7 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है, 7 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, इसी को हम पलट के लिख दिए,
7 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है। अब पलट के क्यों लिखे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बोला गया 50 मीटर चढ़ने में, तो 7 मीटर में इतना, तो 50 मीटर में कितना टाइम लगेगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको उल्टा करके लिखे, ताकि 50 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला कैलकुलेशन तो आप लोग को आता ही होगा। ये वाला कैलकुलेशन बहुत जगह पे हम लोग यूज़ कर चुके हैं। देखिए जिसको नहीं आता है वो समझे अच्छे से, तो इसको लिखना है। और ये वाला जो है नीचे में चल जाता है मतलब डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है। अब इसको सॉल्व करिए तो 50 दूने 100 हो जाएगा, डिवाइड में 7 है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 7 1 7 3 बच जाएगा, फिर 7 2 14, ठीक है सॉरी 7 1 7 कितना बचेगा 3 बच गया, 7 4 28 और 2 बच गया, तो इतना क्या मिनट, ये मिनट में था तो ये भी मिनट में आएगा, तो इतना मिनट लगेगा उसको चढ़ने में। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 24 के जैसे ही है, इसको भी हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक बंदर 52 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे पर चढ़ना शुरू करता है, पहले मिनट में वो 15 मीटर चढ़ता है। पहले मिनट मतलब क्या, 1 मिनट। क्लियर है? पहला मिनट मतलब एक ही मिनट ना होगा, तो 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, 15 मीटर चढ़ रहा है, जबकि दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल रहा है। दूसरे मिनट मतलब क्या, अगला मिनट, मतलब एक ही मिनट हो रहा है, यहाँ पे 2 मिनट मत कर लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले मिनट में वो 15 मीटर चढ़ा मतलब 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ रहा है, और दूसरे मिनट में, तो दूसरा मिनट मतलब क्या, अगला ही उसका मिनट जो है। क्लियर है? तो अगले मिनट में वो क्या कर रहा है, 5 मीटर फिसल रहा है, तो ओवरऑल कितना हो जा रहा है, 1 और 1 2 मिनट हो रहा है। तो 2 मिनट में वो चढ़ कितना रहा है, 1 मिनट वो 15 मीटर चढ़ा, लेकिन अगला मिनट जो हो रहा है मतलब दूसरा मिनट में वो 5 मीटर फिसला, तो 5 मीटर जब फिसलेगा तो इसका मतलब क्या, 10 मीटर चढ़ेगा। क्लियर है? और दूसरा मिनट मतलब क्या हो रहा है, दूसरा मिनट मतलब अगला मिनट में, नेक्स्ट 1 मिनट में। क्लियर है? तो पहला मिनट मतलब 1 मिनट में वो 15 मीटर चढ़ा, जबकि दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसला, मतलब अगला जो 1 मिनट है उसमें वो 5 मीटर फिसल गया, तो ओवरऑल उसको 1 1 2 मिनट लगा, और 15 मीटर चढ़ा था, 5 मीटर फिसलेगा तो 10 मीटर चढ़ेगा। इसी को पलट के लिख देना है, 10 मीटर में मतलब 10 मीटर चढ़ने में उसको 2 मिनट लग रहा है। क्लियर है? और यहाँ 52 मीटर चढ़ना है तो कितना समय लगेगा ये पूछा गया है, खंभे का ऊंचाई दिया गया 52 मीटर, तो 10 मीटर बराबर 2 मिनट हो रहा है, तो 52 मीटर बराबर हम लोग को टाइम निकाल लेना है, तो 2 लिखना है। इसको उतारेंगे और ये वाला नीचे चल जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई में जाता है। अब देखिए इसको काट लीजिए तो 2 का टेबल में ये 5 बार में कटेगा, तो 52/5 हो जाएगा। अब इसके जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 पूर्णांक 2/5 मिनट आएगा, ये मिनट में है इसीलिए मिनट में ही आएगा। क्लियर है? यहाँ पे आवर रहता तो ये आवर होता, सेकंड रहता तो सेकंड होता, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बनाते हैं, और ये क्वेश्चन छलांग टाइप का है, ठीक है, सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, सेकंड्स में नहीं सॉल्व होगा तो बोलिएगा। देखिए इसमें दिया गया है, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, तो पहले क्या क्या है उसको लिख लेना है, इसमें कुत्ता और खरगोश का बात कर रहा है, ठीक है, तो कुत्ता और खरगोश लिख लेना है। खरगोश जब 8 छलांग लगाता है, खरगोश क्या कर रहा है, जब 8 छलांग लगा रहा है तब कुत्ता 6 छलांग लगा रहा है, तब कुत्ता क्या कर रहा है, 6 छलांग लगा रहा है। क्लियर है? मतलब जितना देर में इसका मतलब यही है, खरगोश जब 8 छलांग लगाता है तब कुत्ता 6 छलांग लगा रहा है, मतलब जितना टाइम खरगोश को 8 छलांग लगाने में लग रहा है उतना टाइम में कुत्ता 6 छलांग लगा दे रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड। क्लियर है? टाइम हम मान लेते हैं 1 सेकेंड, ये क्या माने हम, टाइम 1 सेकेंड में ये 6 छलांग लगा रहा है, तो 1 सेकेंड में ये 8 छलांग लगा रहा है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, खरगोश का 4 छलांग कुत्ते के 6 छलांग के यदि बराबर हो, खरगोश का 4 छलांग और कुत्ते के 6 छलांग बराबर हो, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे ख कर देते हैं मतलब खरगोश और क मतलब कुत्ता, खरगोश का 4 छलांग, खरगोश के जगह पे 4 लिखेंगे और कुत्ते के जगह पे 6 लिख देंगे, और ये बराबर बोला गया है तो इसको बराबर लिख देंगे। जब भी ऐसा बराबर बोला जाए तो इसको पलट देंगे हम लोग। क्लियर है? 6 हो जाएगा ये, पे 4 हो जाएगा। क्लियर? तो 6 हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, खरगोश के जगह पे। अब क्लियर, तो 6 लिखेंगे खरगोश के जगह पे और कुत्ता के जगह पे 4 लिखेंगे। ये हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखे, डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते थे, ऐसा रहेगा ना, तो पलट के लिखना है, जब भी बराबर बोले जाएगा तो पलट के लिखना है, मतलब खरगोश वाला कुत्ता में और कुत्ता वाला खरगोश में, यही ना हुआ, खरगोश वाला कुत्ता के पास चल गया और कुत्ता वाला खरगोश के पास चल गया। ठीक है, तो देखिए
खरगोश चार छलांग लगाता है, तो डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं खरगोश चार लगा रहा है तो इसका मतलब कुत्ता में लिख देना है, और कुत्ता छः लगा रहा है तो इसका मतलब क्या, खरगोश में लिख देना है, लगाता है, बराबर है बोल रहा है, दोनों छलांग बराबर है, जब भी बराबर बोला गया इसको हम लोग पलट लिए। इसका मतलब क्या, ये जो चार छलांग लगा रहा है हम मान लेते हैं, क्लियर है, अब मान लेते हैं ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस ही ना कवर करेगा, छलांग लगा रहा है इसका मतलब क्या, डिस्टेंस कुछ कवर करेगा, तो मान लेते हैं एक छलांग में ये लोग डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना छलांग में, एक छलांग में हम ये सब क्या निकाल रहे हैं, एक छलांग का, एक छलांग में ये 4 मीटर जा रहा है, ये मीटर में हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए ये क्या है, डिस्टेंस है, क्लियर है, एक छलांग में ये 4 मीटर जा रहा है तो एक छलांग में ये 6 मीटर जा रहा है, इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को फास्ट बनेगा। अब क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम हो जाएगा, तो डिस्टेंस ये है, ठीक है, तो इसके लिए डिस्टेंस ये हो जाएगा और टाइम ये हो जाएगा, तो 6 × 36 हो जाएगा। अब ये क्या 36, ये मीटर में है तो मीटर, और ये सेकंड में है तो सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी तरीके से खरगोश का निकालेंगे तो 4 × 8 = 32, और क्रॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग बराबर किए थे, इतना माइंड में रखना है, तो 32 क्या मीटर पर सेकंड, इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ बोल रहा है खरगोश 40 छलांग आगे हो तथा कुत्ता से खरगोश 40 छलांग आगे हो, कुत्ता से खरगोश जो है खरगोश आगे है, खरगोश जो है 40 छलांग आगे है, तो खरगोश को वह कितनी देर बाद पकड़ लेगा, मतलब कुत्ता जो है खरगोश को कितना टाइम बाद पकड़ेगा ये पूछा गया है, तो 40 छलांग आगे है, कौन आगे है, तो खरगोश आगे है, तो 40 छलांग में वो कितना दूर गया होगा, हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये सब छलांग है ना, तो एक छलांग में ये सब क्या है, एक छलांग में खरगोश क्या कर रहा है, 6 मीटर जा रहा है, तो 40 छलांग में खरगोश कितना आगे गया होगा तब ना उसको पकड़ेंगे, तो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं किसके लिए, खरगोश के लिए। देखिए अब साफ साफ बोला गया है कुत्ता से खरगोश 40 छलांग आगे है, तो खरगोश जो 40 छलांग आगे है इसका मतलब क्या है, वो 40 छलांग में कितना दूर गया है निकाल सकते हैं, तो एक छलांग में वो कितना गया है, एक छलांग में वो 6 मीटर जा रहा है, तो 40 छलांग में क्या हो जाएगा, 6 × 40 हो जाएगा, एक छलांग में वो 6 मीटर जा रहा है, एक छलांग में खरगोश 6 मीटर, तो 40 छलांग में क्या होगा, 40 × 6 माने 240 मीटर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसी को ना कवर करेगा वो कुत्ता, ठीक है, कुत्ता जो है इसी डिस्टेंस को कवर करेगा, तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो एक्स्ट्रा स्पीड कितना लगाएगा, देखिए चोर और पुलिस वाला हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं ना उसी टाइप का ये बनेगा, एक्स्ट्रा स्पीड कितना लग रहा है वो देखेंगे, स्पीड का डिफरेंस करने से पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा स्पीड ये कितना लगा रहा है पकड़ने के लिए, तो ये 32 लगा रहा है, ये 36, 4 का डिफरेंस है, तो 4 मीटर पर सेकंड ये ज़्यादा लगा रहा है, यही स्पीड ना इसको कवर करेगा, क्लियर है, तो इतना ज़्यादा माथा पेची आप लोगों को नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब भी ऐसा रहेगा तो ये डिस्टेंस हुआ, आप लोग क्या करिएगा स्पीड का डिफरेंस कर लीजिएगा, इससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना 240 मीटर है, ये सब भी मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मीटर है ये, मीटर पर सेकंड है, तो टाइम हमेशा सेकंड में आएगा। तो देखिए यहाँ पे स्पीड कितना है 4, तो 4 × 24 40 क्या है 60 सेकंड आया, तो 60 सेकंड हम लोग का आंसर अभी नहीं आया है, यहाँ पूछा गया है कि कुत्ता को कितना छलांग लगाना पड़ेगा, क्लियर है, तो देखिए 60 सेकंड में वो पकड़ेगा, मतलब 60 सेकंड वो छलांग लगाया है 60 सेकंड तक, क्लियर है, कुत्ता जो है 60 सेकंड तक छलांग लगाया है, तो 1 सेकंड में कुत्ता 6 छलांग लगा रहा है तो 60 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में अगर 6 छलांग तो 60 सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का पता है और ज़्यादा का फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 सेकंड में 6 तो 60 सेकंड में कितना होगा, 60 × 6, क्लियर है, तो 60 × 6 कर दीजिए, 6 × 36 तो 360 छलांग, क्लियर है, 1 सेकंड में ये 6 लगा रहा है, क्लियर, तो 60 सेकंड में कितना होगा, 60 × 6 तो 6 × 36 तो 360 छलांग, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो बहुत कोई को हम देखते हैं कि वीडियो तो देखता है लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा मजा आएगा, क्लियर है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।